आज का प्रातः क्लास है 18 अगस्त 1968। ड्रामा के प्लान अनुसार बाप बेट समझाते हैं। ये वाणी चलाई जा चुकी है। प्रातः क्लास चल रहा था 21-8-68 का। पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी ड्रामा में निश्चय रखो, और ड्रामा के अलावा कोई भी बात बोलो नहीं। चक्र में दिखाया है ना, ये कैसे हूबहू फिरता है। फिर कल्प वृक्ष का चित्र भी है, परंतु ये कोई भी जानते नहीं है कि इसकी आयु कितनी है। बाप कोई की भी निंदा नहीं करते हैं। कल्प वृक्ष का चित्र समझाते हैं, दिखाया है कोई धर्म पहले आते हैं, कोई बाद में आते हैं। ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है। नए नए जो धर्म आते हैं वो थोड़े समय अपना शो करते हैं, बाद में जल्दी ही तमो प्रदान हो जाते हैं। तो ये कोई की निंदा नहीं है, ये तो सच्चाई है। और ये सच्चाई की बात तो समझाई जाती है। जैसे गुरु नानक के कहते हैं, असंख्य चोर हराम खोर। तो ये कोई की निंदा है क्या? इस दुनिया में, कलयुग की दुनिया में चोरों की संख्या कम है या ज्यादा है? ये तो सच्चाई है। तो तुमको भी बाप सच्चाई समझाते हैं कि तुम पहले कितने पावन थे, अब कितने पतित बने हो। जब पावन थे तो पुकारते नहीं थे, और अब पतित बने हो तो पुकारते हो। शूटिंग कहाँ होती है? संगम में शूटिंग होती है। अभी शूटिंग कर रहे हैं? हो रहा है बाबा। कैसे है? पाठ बजा रहे हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग हो रही है कि ब्राह्मण जब पतित बनते हैं तो बुलाते हैं, जैसे भक्ति मार्ग में बुलाते थे, हे पतित पावन राम आओ। तो क्या यहाँ भी बुलाते हैं, आवाहन करते हैं? बेसिक में तो आवाहन करते हैं। क्या एडवांस में भी दिल आवाहन करती है? चुप हो गए है? करती है, आवाहन तो करती है। ये कह रहे नहीं करती है। एक दो न करने सब आवाहन करते हैं भक्ति मार्ग में। तो ये निशानी किस बात की हुई? भक्ति मार्ग में पतित होने की निशानी हुई या पावन देवता बनने की निशानी हुई?
सतयुग त्रेता में द्वापर में वो सतयुग त्रेता में देवताएं पावन थे तो बुलाते नहीं थे, द्वापर कलयुग में पतित होते हैं तो बुलाते, तो भगवान को बुलाते हैं। पहले तो सबको पावन बनाना है, भगवान आते हैं तो क्या ऐसा भी करते हैं कि कोई को पावन बनावे और कोई को ना बनावे है? सारी दुनिया को पावन बनाते हैं, फिर नंबर वार पार्ट बजाने के लिए आना है। किस नंबर से? कि जिनको पहले नंबर में पावन बनाया वो पहले आते हैं नई दुनिया में, और जिनको बाद में पावन बनाया वो बाद में आते हैं। कहेंगे कि आत्माएं तो सभी ऊपर में रहती हैं, आत्माएं माना जो भी आत्मिक स्टेज वाले होंगे वो भी कहां रहेंगे? मन बुद्धि से ऊंची स्टेज में रहेंगे। कहेंगे कि आत्माएं हैं, आत्मिक स्थिति वाले हैं, बाप भी ऊपर में रहता है, परंतु ऐसे ही तो बुलाते आते हैं और बुलाने से आते तो नहीं है। भक्ति मार्ग में 2500 साल बुलाया, बुलाने से आए क्या? नहीं है? नहीं आए। और यहाँ बुलाने से आते हैं? हैं? यहाँ बुलाने से आते हैं? हैं? यहाँ भी हैं? यहाँ भी बुलाने से नहीं आते हैं। बाप कहते हैं कि मेरा ये ड्रामा में पार्ट लुधा हुआ है, क्या कि मैं बुलाने से नहीं आता हूँ और बिना बुलाए आ जाता हूँ, ऐसा पार्ट क्यों है? कोई बताएगा ऐसा पार्ट क्यों है? नहीं। हाँ, ड्रामा में ये जो पार्ट है उसका कोई कारण होगा ना। कारण यही है कि जो देह अभिमानी मनुष्य होते हैं वो बुलाने से आते हैं, मान मर्तबा चाहते हैं। जिसको देह होती है, जिनको रथ होता है, उनको कुछ न कुछ अपने मान मर्तबे का स्वार्थ होता है। जैसे ब्रह्मा बाबा मनुष्य आत्मा है ना, चलो देवात्मा है, बुलाने से आते हैं या बुना बुलाए आ जाते हैं? बुलाने से। क्यों? ब्रह्मा बाबा क्या शिव बाबा से भी बड़े हैं? है? शिव बाबा से बड़े तो नहीं कहेंगे, फिर वो बुलाने से क्यों आते हैं? हैं? हाँ, शिव में कोई भी देहभान नहीं है, 100% आत्मा है और सदैव ही आत्मा है। बल देह में भी आते हैं, प्रवेश करते हैं, तो भी देह अभिमानी नहीं है, इसलिए उनको मान मर्तबे की दरकार नहीं है। और जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उन सब को मान मर्तबे की दरकार होती है, इसलिए चाहे भूत प्रेतों की आत्माएं हो, चाहे मनुष्य आत्माएं हो, पितरों की आत्माएं हो, देव आत्माएं हो, वो सब कैसे आती है? बुलाने से आती है। अभी बोला विजयमाला का आवाहन करो, अब जानते हैं बच्चे कि विजयमाला का इकट्ठा तो आवाहन नहीं किया जा सकता। हाँ, शहद की मक्खियों की रानी होती है, कोई कहे कि शहद की मक्खियों का आवाहन करो तो क्या करते हैं? है? रानी मक्खी को ले आते हैं। तो विजयमाला का आवाहन करो का मतलब क्या हुआ?
सभी का आवाहन करें एक साथ या एक का आवाहन करें तो सब आ जाएंगी? एक का आवाहन करेंगी तो सब आ जाएंगी। जिसका आवाहन करेंगे उसको मान मर्तबे की दरकार है या नहीं है? है? मान मर्तबे की दरकार तो है, लेकिन शिव बाबा को मान मर्तबे की दरकार नहीं है। बाप कहते हैं मेरा ये निरहंकारी बने का पार्ट ड्रामा में नुधा हुआ है। क्या? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। जैसे हद के ड्रामा में भी मुख्य मुख्य एक्टर्स होते हैं तो उनका पार्ट होता है ना, पहले से नुधा हुआ पार्ट होता है ना। ये तो फिर है बेहद का ड्रामा। तुम सभी इस ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हो। कोई ऐसा है जो ये कहे कि मैं आत्मा इस ड्रामा के बंधन में बंधी हुई नहीं हूं? कोई है? नहीं। कोई नहीं है। अरे भगवान को ही जब इस सृष्टि पर आना पड़ता है, ड्रामा में ये पार्ट नुधा हुआ है, तो सदाकाल के लिए मुक्त कोई आत्मा हो सकती है? भक्ति मार्ग वाले भले कहते हैं, कैसी मुक्ति चाहिए है? क्या कहते हैं? हमको सदाकाल की मुक्ति चाहिए, हमें इस दुनिया में आना ही नहीं है। स्वर्ग के सुख भी कहते हैं काकविष्टा समान। लेकिन बाप कहते हैं इस ड्रामा के बंधन से कोई छूट नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कोई धागे में बंधे हुए हो है? धागे में बंधे हुए नहीं है, है? अरे 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं इस सृष्टि पर आती हैं, तो एक के बाद एक आती है ना, तो धागे में बंधी हुई नहीं है, है? धागे में बंधी हुई है। कौन सा धागा है? है? बुद्धि रूपी धागा? अरे वो माला घुमाते हैं ना, तो माला में जो मणके घुमाए जाते हैं पकड़ पकड़ के, उनमें धागा होता है कि नहीं? है, धागा होता है। वो धागा क्या चीज है? वो स्थूल धागा तो है नहीं, जो परम धाम से आत्माएं धागे के आधार पर उतरती हैं। स्थूल ड्रामा है, स्थूल धागा है क्या? नहीं। फिर कौन सा धागा है? है? ड्रामा का धागा। धागा है स्नेह का धागा। क्या? प्यार का बंधन। नारायण की आत्मा ऊपर से उतरेगी सृष्टि के आदि में, 500 करोड़ आत्मा इकट्ठी जाएंगी ना, तो पहले पहले कौन आएगा? नारायण की आत्मा उतरेगी तो उसके प्रेम के धागे में, स्नेह के धागे में कौन बंधी हुई पीछे पीछे आएगी? अरे कोई आत्मा आएगी कि नहीं धागे में बंधी हुई? कौन आएगी? लक्ष्मी आएगी पहले। तो धागे में, प्रेम के धागे में, स्नेह के धागे में बंधी हुई हुई कि नहीं हुई? बाकी स्थूल धागा कोई नहीं है। वो भक्ति मार्ग में तो स्थूल धागे में बांध लेते हैं मणकों को। यहां कोई स्थूल माला नहीं है, स्थूल मणके नहीं है, ये तो आत्मा है की बात है। जो आत्माएं स्नेह के धागे में बंधी हुई एक के पीछे एक आती रहती है। नारायण के पीछे लक्ष्मी आएगी, फिर लक्ष्मी के पीछे कौन आएगा? अरे लक्ष्मी नारायण के पीछे कोई धागे में बंधी हुई आएगी या नहीं आएगी? कौन होगी? है? है? राधा कृष्ण आएंगे। है? पहले पहले ब्रह्मा सो क्या बनता है? है?
विष्णु बनता है। तो नारायण वाली आत्मा भी प्रजापिता ब्रह्मा का पार्ट बजाती है, लक्ष्मी वाली आत्मा भी कोई ब्रह्मा सो वैष्णवी देवी बनती है। तो स्वर्ग के गेट खुले हुए होंगे ना, तब ही आवेगी, या बिना स्वर्ग के गेट खोले हुए आ जाएगी है। इसका मतलब परम धाम जाने से पहले ही मानसिक रूप से इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर उन आत्माओं ने स्नेह के धागे में बंध करके प्योरिटी की यूनिटी बना करके नई दुनिया का उद्घाटन कर लिया था। इसलिए बताया स्वर्ग में मरेंगे तो स्वर्ग में आके जन्म लेंगे, नरक में मरेंगे तो नरक में जन्म लेंगे। लेकिन इस दुनिया में अभी है क्या? नरक है, तो फिर स्वर्ग में कैसे जन्म लेंगे? ऐसी कौन सी तरकीब है जो इस नरक की दुनिया में स्वर्ग बन जाएगा? ये मनसा की बात है। कोई कोई विशेष आत्माएं हैं जो प्योरिटी की यूनिटी से ऐसा वायुमंडल बना लेंगी कि उस वायुमंडल में प्रकृति का प्रकोप भी काम नहीं करेगा। जैसे गायन है शास्त्रों में कि ऋषियों मुनियों के आश्रमों में शेर और बकरी एक घाट पानी पीते थे, उनका सारा बैर भाव खत्म हो जाता था। तो ऐसा वातावरण, ऐसी स्थिति परिस्थिति हमको मनसा वाइब्रेशन के आधार पर पहले ही क्रिएट करके रखनी है। फिर परमधाम आत्माएं जावेंगी, उस समय कहेंगे कि शांति धाम और सुख धाम दोनों का गेट खुल गया। तो आत्माएं तो सभी ऊपर से ही आती हैं, ऊपर में ही रहती हैं, बाप भी ऊपर, परंतु ऐसे ही वो बुलाने से नहीं आते हैं। जैसे हद के ड्रामे में मुख्य मुख्य एक्टर्स का पार्ट होता है, तो तुम सभी ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हो, बाकी कोई स्थूल धागा नहीं है जिसमें बंधे हुए हो। है कौन सा धागा है? स्नेह का धागा है। तो ये बाप समझाते हैं कि वो होता है जड़ झाड़ और उसका जड़ बीज, अगर वो चैतन्य होता तो उनको भी पता होता कि कैसे ये झाड़ बड़ा होगा, फिर कैसे फल देगा, फूल देगा। लेकिन वो झाड़ तो जड़ जड़ है, चैतन्य तो नहीं है। झाड़ को जड़ कहेंगे, चैतन्य कहेंगे है? जड़ है। एक तो इस हिसाब से जड़ है कि एक ही स्थान पर है, और दूसरे इस हिसाब से जड़ है कि जो चैतन्य होता है वो बोलता भी है और चालता भी है, और जड़ ना बोलता है ना चलता है। परंतु ये तुम्हारा मनुष्य सृष्टि का झाड़ चैतन्य है, तो उसे चैतन्य झाड़ के बीज को, क्योंकि झाड़ में पहले पहले क्या होता है? बीज होता है। बीज को पहले पता चलेगा, क्या पता चलेगा? कि ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ कैसे बड़ा होता है, कैसे फलता फूलता है, और कैसे इसकी समाप्ति होती है। पहले किसको पता चलता है? कौन है?
शिव शिव मनुष्य सृष्टि के झाड़ का बीज है। शिव जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है, जो आत्मा कभी जन्म मरण के चक्र में आती ही नहीं, सुख दुख भोगती ही नहीं, वो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज है, है? प्रजापिता बीज है। तो जो बीज है उसकी बुद्धि में पहले सृष्टि के आदि मध्य और अंत का सारा ज्ञान आता है। जड़ झाड़ अगर चैतन्य होता तो उसके बीज में भी ये ज्ञान आ जाता। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का अभी तुमको पता पड़ा है, इसको उल्टा झाड़ कहा जाता है। क्या? इसकी जड़ें ऊपर को फैली हुई हैं और शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। क्या मतलब? जड़ जो है वो ऊंची स्टेज वाली हैं और जो तने और टहनियां निकली हैं वो जड़ों के मुकाबले नीची स्टेज वाली है। और जड़ों से भी ऊंची स्टेज वाला कौन? बीज। बीज जड़ों से भी ज्यादा ऊंची स्टेज वाला है। फिर वो ऊंची स्टेज वाला भी है और सबसे नीची स्टेज वाला भी है। बाकी कहेंगे कि बीज है बाप, वो बाप बीज है नालिश फूल। उनको तो सारे झाड़ के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। कहते हैं कि मैं एक ही बार आकर के सारे झाड़ की नॉलेज देता हूं, कि बार बार देता है। जो मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज है वो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की जो ड्यूरेशन है 5000 वर्ष, उसमें बार बार आकर के ज्ञान देता है या एक ही बार देता है? एक ही बार देता है। और जो नॉलेज देता है वो है गीता ज्ञान। क्या? गीता की नॉलेज है, कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी गीता का ज्ञान दिया था, फिर से गीता का ज्ञान देता है। हर 5000 वर्ष के बाद गीता का ज्ञान देते, परंतु भक्ति मार्ग में कितने ढेर के ढेर शास्त्र बनाए हैं। कहते हैं कि व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, व्यास को भगवान कह देते हैं। अब व्यास मनुष्य था या भगवान था? है? व्यास कौन था? व्यास भगवान था या मनुष्य था? मन चलाने वाला मनुष्य था ना, संकल्प विकल्प मन करता है और संकल्प विकल्प करने वाले मनुष्य को मन कहा जाता है। भगवान सोचता है, भगवान को सोचने की जरूरत है? वहीं रख दीजिए, अच्छा बैठ जाओ। तो बोला कितने शास्त्र बनाए हैं व्यास भगवान ने, परंतु वो भगवान तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? नहीं, भगवान इसलिए नहीं हो सकता कि भगवान को सोचने संकल्प विकल्प करने की दरकार नहीं है।
क्योंकि भगवान जन्म मरण के चक्र से न्यारा है और मनुष्य जन्म मरण के चक्र में आता है, इसलिए संकल्प विकल्प करता है, सोचता है। ये सोचना करना भगवान का काम नहीं है, सोचना करना मन का काम है, और मन भगवान को होता है। जिसको मन होगा वो चंचल होगा। मन कैसा होता है? चलायमान होता है। अच्छा, देवताओं का मन चलायमान होता है? है? देवताओं का मन तो चलायमान नहीं होता, तो उनको भगवान कहें? कहें? क्यों? देवताओं को तो सोचने करने संकल्प विकल्प करने की दरकार नहीं कि है दरकार? तो जो देवताएं हैं वो भगवान की कोटि नहीं गिने जा सकते, क्योंकि देवताएं जन्म मरण के चक्र में आते हैं, ऊपर से नीचे गिरते हैं। और भगवान जन्म मरण के चक्र में भी नहीं आता, न नीचे गिरता है न उसके ऊपर उठने की बात है, वो तो सदैव ऊंचते ऊंचे है, इसे नीच सृष्टि में आता है, पतित नीच मनुष्य में आता है, तो भी ऊंचे है या नीचे है? है तो भी ऊंचते ऊंचे है। उसका कोई भी कर्म, कर्म इंद्रिय से किया हुआ कर्म, वाचा से बोला हुआ वाक्य, दृष्टि से देखी हुई जो भी चीज है वो पावन बनेगी या अपवित्र बनेगी? पावन ही बनेगी। तो इसका अर्थ ये हुआ, भगवान मनुष्य होता नहीं, व्यास भगवान मनुष्य है, वो भगवान हो नहीं सकता, बाकी वो तो निमित्त बना है। कौन? व्यास भगवान जिसको कहते हैं, वो तो निमित्त बना है इन शास्त्रों को बनाने के लिए, और ये शास्त्र फिर भी बनेंगे। जैसे ग्रंथ अभी छापे का बना हुआ है, कौन सा ग्रंथ? सिखों का गुरु ग्रंथ साहब अभी छापे का बना है। पहले कोई ने हाथ के अक्षरों से बनाया होगा, शुरू में तो नहीं छापा गया, तो गीता भी पहले हाथ से लिखी गई होगी या छपाई गई होगी? हाथ से ही लिखी गई थी। यहां पर बाबा तो कोई श्लोक आदि नहीं उच्चारते हैं, मनुष्यों की बनाई हुई जो गीता है उसके श्लोकों का उच्चारण शिव बाबा नहीं करते हैं, वो लोग तो ग्रंथ पढ़ करके फिर उसका अर्थ करते हैं। क्या ग्रंथ पढ़ते हैं फिर उसका अर्थ करते हैं? अच्छा, यहाँ बाबा ऐसा नहीं करते हैं? क्लेरिफिकेशन तो कुछ किसी चीज का क्लेरिफिकेशन देते हैं कि नहीं देते हैं? पढ़ करके देते हैं कि बिना पढ़े? बिना पढ़े देते हैं? ये क्या है? है? ये मुरली नहीं है, इसे पढ़ते नहीं है? पढ़ते हैं बाबा, पढ़ते हैं शिव बाबा, पढ़ते हैं या कोई दूसरी आत्मा पढ़ती है? शास्त्र का नहीं देते हैं, मुरली का देते हैं। हमारा मतलब है भगवान जिसे कहा जाता है उसको ग्रंथ पढ़ने की, शास्त्र पढ़ने की दरकार है या नहीं है? नहीं है। उसको तो ग्रंथ शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं है, तो फिर पढ़ता कौन है? प्रजापिता। अभी प्रजापिता के बारे में अभी तो मुरली में बोला कि मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की नॉलेज किसको होगी, बीज को होगी। बीज कौन हुआ? प्रजापिता। तो उसको तो नॉलेज है ही, उसको पढ़ने की दरकार है? उसको भी पढ़ने। फिर कौन पढ़ता है?
है आत्मा और हम सब हाँ, जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर षष्ठी रूपी वृक्ष में पहला पहला पत्ता है कृष्ण की आत्मा, वो अभी पढ़ रही है कि पढ़ा रही है, पढ़ रही है। तुम ऐसी बात बोलेंगे तो वो गुरु लोग तुमसे नाराज होंगे या खुश होंगे? वो तो बहुत नाराज होंगे, कहेंगे लो ये ब्रह्मा बाबा के लिए क्या बोलते हैं कि वो पढ़ रहे हैं। पढ़ने वाले हैं या पढ़ाने वाले हैं? वो आत्मा भी अभी पढ़ रही है। सृष्टि की आदि कैसे होती है, मध्य कैसे होता है, अंत कैसे होता है, उनकी बुद्धि में ये पूरी नॉलेज नहीं है। तो बाप बैठ समझाते हैं कि ये पढ़ाई है, क्या पढ़ाई को बाप बैठ समझाते हैं, समझाने का काम बाप और पढ़ने का काम बच्चे का। कौन है बच्चा? है श्री कृष्ण आत्मा बच्चा है और शिव बाप बाप है, समझाने वाला है। तो इसमें श्लोक आदि पढ़ने की दरकार नहीं है। फिर क्या क्या पढ़ते हैं? ब्रह्मा बाबा जो कृष्ण बच्चा वाली आत्मा है, बच्चा बुद्धि है, चलो श्लोक नहीं पढ़ती है। फिर क्या पढ़ती है? भक्ति मार्ग में श्लोक पढ़ते थे और यहाँ है हाँ, यहाँ जो ब्रह्मा मुख से बोला शिव बाबा ने वो पढ़ते हैं। शिव बाबा नहीं पढ़ते, शिव बाबा उसका अर्थ समझाते हैं और कृष्ण की आत्मा पढ़ती है। उन शास्त्रों की पढ़ाई में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होती है कि शास्त्र पढ़ करके क्या बनेंगे। और यहाँ यहाँ जो कुछ भी हम पढ़ते हैं और शिव बाबा उसका अर्थ समझाते हैं, इसका एम ऑब्जेक्ट है या नहीं है? इसका एम ऑब्जेक्ट है। क्या है? हमें नर से नारायण बनना है और नारी से लक्ष्मी बनना है। ग्रंथ पढ़ करके फिर क्या बनेंगे? सिख लोगों का ग्रंथ होता है शास्त्र, वो पढ़ते हैं गुरुद्वारों में, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा जाता है, उसे पढ़ करके वो क्या बनेंगे? क्या देवता बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे? कुछ भी नहीं। वो तो भक्ति मार्ग का शास्त्र है और ये तो है पाठशाला, भगवान आकर के पढ़ाते हैं। क्या पाठशाला में भगवान आते हैं और आकर के पढ़ाते हैं, तब उसका नाम पड़ता है गीता पाठशाला। गीता पाठशाला नाम हो और भगवान उसमें आकर के कभी पढ़ाई ना पढ़ाए तो गीता पाठशाला कहेंगे? नहीं कहेंगे, है? नहीं कहेंगे। भक्ति मार्ग में उसकी यादगार में क्या बनाते हैं? गीता मंदिर बनाते हैं। गांव गांव में, शहर शहर में गीता मंदिर जो बने हुए हैं वो किस बात की यादगार हैं? वो गीता पाठशालाओं की यादगार हैं कि भगवान बाप ने आकर के पढ़ाई पढ़ाई थी। वो ज्ञान का सागर है ना, तो ये ज्ञान है बिल्कुल नया। दुनिया में कोई नहीं है जो इस ज्ञान को जानते हो। हाँ कहते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य, पहले किसका नाम लेते हैं? ज्ञान, फिर भक्ति, फिर ऐसे क्यों कहते हैं? वैराग्य भक्ति ज्ञान क्यों नहीं कह देते? भक्ति वैराग्य ज्ञान क्यों नहीं कह देते? ज्ञान भक्ति वैराग्य यही लिंक क्यों देते हैं? अरे कोई कारण होगा या नहीं होगा? क्या कारण है? ज्ञान बिना भक्ति भी नहीं होता है और वैराग्य भी नहीं आता है। ज्ञान आने पर भक्ति छूट जाती है। हाँ ये लिंक है कि भगवान आकर के जब ज्ञान सुनाते हैं तो भक्ति छूट जाती है।
और भक्ति के कर्म कांड जब छूट जाते हैं तो फिर इस दुनिया से वैराग्य आ जाता है। तो पहले क्या आता है? ज्ञान। फिर क्या होता है? ज्ञान आने की निशानी क्या होगी? इतने यहाँ लोग बैठे हुए हैं, पूछा जाए इनमें कौन ज्ञानी है तो क्या निशानी देखेंगे? ज्ञानी उसी को कहेंगे जिसके अंदर भक्ति की कोई निशानी न रहे। ज्ञानी ज्यादा पावरफुल या भक्त ज्यादा पावरफुल? ज्ञानी ज्यादा पावरफुल होगा। तो जो पावरफुल आत्मा होगी वो दलित समाज का, नीचे गिरे हुए समाज का उत्थान करेगी या नीचे गिरे हुए समाज के अनुसार चलेगी? उत्थान करेगी ना। पावरफुल आत्मा परिवर्तन करेगी, समाज का भी परिवर्तन करेगी और राज्य का भी परिवर्तन करेगी, प्रकृति का भी परिवर्तन करेगी। उसमें परिवर्तन शक्ति होगी ज्ञान की अथॉरिटी के आधार पर। अगर भक्त है तो जैसे सारी दुनिया चलती है वैसे ही खुद चलेगा। भक्तों को लोकलाज होती है या ज्ञानियों को लोकलाज होनी चाहिए? भक्त लोकलाज के आधार पर चलेंगे। अरे बिंदी नहीं लगाएंगे तो दुनिया क्या कहेगी? चूड़ियां नहीं पहनेंगे तो दुनिया क्या कहेगी? ये सोच भक्तों का है या ज्ञानियों का है? ये तो भक्तों का सोच हो गया। ज्ञानी की पहचान क्या हुई? ज्ञानी भस्म होने वाली दुनिया की लोकलाज से डरने वाला नहीं होगा। जानता है ये दुनिया तो भस्म होने वाली है, आने वाली नई दुनिया तीसरी आंख से दिखाई पड़ रही है, तो कौन सी दुनिया की लोकलाज रखनी है? जो आने वाली नई दुनिया तीसरी आंख से दिखाई पड़ रही है वो भगवान की बनाई हुई दुनिया है, उसकी लोकलाज रखना ये हम बच्चों का काम है। तो इस पुरानी दुनिया से आखरीन क्या चाहिए? वैराग चाहिए। ज्ञान से भक्ति उड़ जाएगी और भक्ति जब उड़ जाएगी तो उसकी निशानी होगी इस दुनिया से वैराग। कुछ अच्छा नहीं लगेगा क्या? इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं, जड़ और जंगम, चाहे चैतन्य को देखते हैं और चाहे जड़ को देखते हैं, किसी में मन टिकेगा नहीं। ये निशानी है वैरागी की। कहेंगे सच्चा वैराग हुआ, और जिसको सच्चा वैराग हुआ दुनिया में कहीं किसी चीज में ममत्व न लगे तो कहेंगे पक्का ज्ञानी। अगर ममत्व अटका हुआ है तो ज्ञानी भी नहीं है वैरागी भी नहीं है। क्या है फिर? है? अरे भक्त है। बाप आकर के बेहद की दुनिया का वैराग कराते हैं क्या? ऐसे नहीं घरवार का वैराग करना सिखाते हैं कि घरवार छोड़ करके सन्यासियों की तरह जंगल में चले जाओ। नहीं, ये सारी 500 करोड़ की जो भी दुनिया है, इस दुनिया के जो भी पदार्थ हैं, जो भी संबंधी हैं, इन सबसे बुद्धियोग हटाए देते हैं। हद का वैराग नहीं है। ऐसे नहीं कि घर परिवार बाल बच्चों को छोड़ करके भाग जाना है। क्या वो क्या हुआ? हद का वैराग कि बेहद का वैराग? वो तो हद का वैराग हुआ। करना क्या है? रहे भी
लेकिन मन बुद्धि से बेलगाव उपराम। तो वेद का वैरा कराते हैं क्योंकि ये पुरानी दुनिया अब समझो विनाश हुई पड़ी है, आज नहीं तो कल खलास होने वाली है। सन्यासियों का तो होता है हद का वैराग, हमारा है बेहद का वैराग। और उनका हद का वैराग जब शंकराचार्य आता है तो वो शंकराचार्य हद का वैराग बैठ सिखाते हैं। शंकराचार्य के आने से पहले हद का वैराग नहीं होता था, शंकराचार्य आकर सिखाते हैं। घर बार छोड़ने का उनका वैराग है, वो भी वो हद का वैराग शुरू शुरू में नहीं सिखाते हैं। क्या शुरू शुरू में सिखाते हैं? यह सन्यासी शुरू शुरू में सात्विक होते हैं, सतोप्रधान स्टेज वाले होते हैं। सतोप्रधान स्टेज वाला जो होगा वो अपने घर के बीवी बाल बच्चों को दुख देगा? हैं? जब सतोप्रधान स्टेज में होते हैं तो ऐसा दुख देने का काम नहीं करते हैं। जब बहुत उनकी वृद्धि हो जाती है तब ये हद का वैराग सिखाना शुरू करते हैं, खुद भी करते हैं और जैसे कर्म हम करेंगे हमें देख तो दूसरे भी करते हैं। तो पहले तो धर्म स्थापन करने वाला एक होता है, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। तो ये भी समझाना है कि दुनिया में पहले पहले कौन सा धर्म था, कौन सा धर्म था? आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसको स्वर्ग हैविन कहा जाता है। पहले पहले जो धर्म था सतो प्रधान सतो सामान्य स्टेज में था तब उसको क्या कहा जाता था? हैविन। विन माने जीत लिया, जीतना। वहां क्या है? वहां हारने की बात नहीं है। कर्म इंद्रियों से हार कोई नहीं खाता। कोई देवता ऐसा है जो कर्म इंद्रियों से हार खाता हो? नहीं, सबकी कर्म इंद्रियों पर विजय होती है या हार खाने वाले होते हैं? विजय होती है, इसलिए उसका नाम रखा हेविन। दूसरा नाम रखा स्वर्ग। क्यों? जितने भी वहां होते हैं जनरेशन में देवताओं में वो स्वस्थिति में गए हुए हैं। स्वस्थिति में जाने की प्रैक्टिस उनकी पहले से ही संगम युग में की हुई प्रैक्टिस है, इसलिए उस का नाम स्वर्ग रखा गया है। तुम रचयिता और रचना को जानने से आस्तिक बन जाते हो। नहीं तो नास्तिक पने में कितना दुख है और सुख कायम है। बाप को रचयिता को और रचयिता की जो रचना है उसको जानने में तुमको कितनी खुशी होती है, न जानने से तुम कितने दुखी थे, निर्धन की बन जाते हैं। बाप को नहीं जानते, बाप की रचना को नहीं जानते तो धनी के हुए या निर्धन के हुए? निर्धन के हो गए। फिर क्या करते हैं? जो निर्धन के होते हैं जिनका कोई धनी धोरी नहीं होता है उनकी निशानी क्या होती है? हैं? वो आपस में ही लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। तो देखना है कि हम भी ब्राह्मण बने हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपस में लड़ते झगड़ते हैं? अगर लड़ते झगड़ते हैं तो क्या साबित होता है ना? हमने धनी को पहचाना है या नहीं पहचाना है? नहीं पहचाना है। हम निर्धन बाप के बच्चे अभी भी हैं अगर लड़ते झगड़ते हैं।
चाहे संकल्पों से, चाहे लाल पीली आंखों से, चाहे कर्मेंद्रियों से, चाहे वाइब्रेशन से, अगर वातावरण खराब करते हैं तो धनी के हैं या निर्धन के हैं? तब कहेंगे निर्धन के। कहते हैं ना कि तुम आपस में ही लड़ पड़ते हो, क्या तुम्हारा कोई धनी दोरी नहीं है? तुम्हारी संभाल करने वाला कोई नहीं है क्या? इस समय तो सभी निर्धन के हैं, क्योंकि बाप को जानते ही नहीं है। ये क्या बात, ये कैसे कह दिया कि समय सभी निर्धन के हैं? हम ब्राह्मण भी निर्धन के हैं, हैं या नहीं है? हैं? अरे हम ब्राह्मण जो ब्रह्मा की औलाद हैं, ब्रह्मा मुख से निकाली गई बातों के आधार पर चलते हैं जीवन में, हम निर्धन के हैं कि धनी के हैं? धनी के हैं, हैं? फिर बाबा ने ये झूठ बोल दिया कि इस समय तो सभी निर्धन के हैं। कभी कभी आंख दिखाती है। ये क्या बात हुई, इतने लोगों में से एक ने बोला कि कभी कभी निर्धन के बन जाते हैं, माने बाप को भूल जाते हैं, माना बाप के ऊपर भी निश्चय टूट जाता है। और ब्राह्मणों की दुनिया में अभी तो ऐसा कोई नहीं है जिसका कभी भी बाप के ऊपर से निश्चय उखड़ता न हो, सदैव 100% निश्चय रहता है। यह निश्चय डावाडोल माया कराई देती है, तो धनी के हुए निर्धन के हुए हैं? क्या कहेंगे? 50-50 ऐसे कहेंगे कि 50% बाप के हैं, 50% बाप के नहीं है? ऐसे कोई बच्चा कहता है कि 50% हमारा बाप हो सकता है, 50% हमारा बाप नहीं भी हो सकता है? अम्मा के सामने कहेंगे धाप थप्पड़ मार देगी। तो धनी के हैं या निर्धन के हैं? बाबा तो मुरली में बोलते हैं कि इस समय तो सभी निर्धन के हैं। क्यों निर्धन के हैं? क्योंकि माया सबको थप्पड़ खिलाए करके भुलाए देती है, बाप को, बाप के ऊपर अनिश्चय पैदा कर देती है। हम निश्चय पैदा करते हैं और माया अनिश्चय पैदा कर देती है। बाप आकर सभी को धनी का अर्थात नास्तिक आस्तिक बनाते हैं। अरे बाप को पहचानेंगे तो बाप के ऊपर आस्था बैठेगी, या बिना पहचाने आस्था बैठ जाएगी? बाप को पहचानेंगे तो मानेंगे, मानेंगे तो मत पर चलेंगे, मत पर चलेंगे तो कहेंगे कि आस्था पक्की है, आस्था पक्की है तो आस्तिक है, और आस्था ही नहीं तो नास्तिक है। देवताएं कब भी आपस में लड़ते झगड़ते नहीं हैं। वहां पर नई दुनिया में तो पवित्रता, सुख शांति सब कुछ था, अपार सुख थे। यहां तो इस दुनिया में अपरम अपार दुख हैं। क्या ये जो दुनिया है, अभी जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसमें रावण का राज्य है या राम बाप का राज्य है? रावण का राज्य है, अपरम अपार दुखों की दुनिया है। वो होता है सतयुग और ये है कलयुग। अभी तुम्हारा तो है पुरुषोत्तम संगम युग। कैसे हमारा पुरुषोत्तम संगम युग? कैसे हमारा न कलयुग है
और ना हमारा सतयुग है। कौन सा युग है फिर? क्यों कैसे? हाँ, पुरुषों में अर्थात आत्माओं में उत्तम से उत्तम पाठधारी कौन है वो हमने पहचाना है, इसलिए तुम्हारा पुरुषोत्तम संगम युग है। और ये पुरुषोत्तम संगम युग एक ही होता है। सतयुग और त्रेता के संगम को पुरुषोत्तम संगम युग नहीं कहेंगे। है तो वहां देवताएं, सतयुग त्रेता का जो संगम है वहां कौन होते हैं? देवताओं की जनरेशन होती है, लेकिन उनको पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि जो भी देवताएं हैं वो सब उतरती कला के हैं। क्या? और पुरुषोत्तम? पुरुषोत्तम तो चढ़ती कला वाला है, वो कलातीत पार्ट बजाने वाला व्यक्तित्व है, इसलिए उसको कहा जाता है पुरुषों में उत्तम। तो कहेंगे कि सतयुग त्रेता पर तो कुछ भी नहीं होता है। क्या कुछ भी नहीं होता है? परिवर्तन का कुछ भी काम नहीं होता है। पुरुषोत्तम संगम युग है एक ही, जबकि तुम पुरुषोत्तम बनते हो। यहां होते हैं असुर और वहां होते हैं देवताएं, और ये बात भी तुम अभी समझते हो। दुनिया तो बिल्कुल बेसमझ है। तुम ही जानते हो कि ये रावण का राज्य है। रावण के ऊपर गधे का शीश दिखाते हैं, क्यों? गधे का शीश क्यों दिखाते हैं? माने रावण के जो 10 सिर हैं उन 10 सिरों से ऊपर है वो, है? जो 10 शीश दिखाते हैं रावण के, उन 10 शीशों को कंट्रोल करने वाला है क्या गधा? है? गधा कंट्रोल नहीं करता है रावण के 10 शीशों को। वो गधा कौन है? गधा किसको कहा जाता है? ऐसे देह अभिमानी को गधा कहा जाता है, जिसको बार बार नहलाया धुलाया जाए, बार बार ज्ञान स्नान कराया जाए, और बार बार मिट्टी में लौट जाए, देह अभिमानी की मिट्टी में लौट जाए, तो उसको कहेंगे गधा। वो रावण के 10 सिरों के भी ऊपर बैठाया हुआ है। गधे को कितना भी साफ करो, साफ कपड़े उस पर रखेंगे, वो सारा मिट्टी में लेट करके कपड़े खराब कर देगा। तुम्हारे भी कपड़े अभी बाप साफ करके गुलगुल बनाते हैं, फिर रावण राज्य में अपवित्र बन करके तुम सारे कपड़े खराब कर देते हो, फिर आत्मा और शरीर दोनों ही खराब हो जाते हैं। गधे को कोई इस बात की अकल नहीं होती है। किस बात की है? कि ज्ञान जल से इतनी सफाई की फिर भी देह अभिमान की धूल में बार बार नहीं लौटना चाहिए। बाप भी कहते हैं तुम गधे मिसल तुच्छ बुद्धि बन पड़े हो। माया ने सारा श्रृंगार गंवा दिए। जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सभी गधे मिसल बन गए हैं। बाप को पतित पावन कहते हैं, बाप क्या करते हैं? पतित पावन बाप क्या करते हैं? पतित को पावन बनाते हैं।
पतित बार बार पतित बनते रहते हैं और बाप पावन बनाते हैं। तो बाप को पतित पावन कहते हैं क्योंकि जो गधे मिसल जिनका जीवन बन पड़ा है, अकल चलाते ही नहीं है, बार बार मिट्टी में लौट जाते हैं, उनको भी पावन बनाते हैं। तो तुम सारी भरी सभा में कह सकते हो कि जब हम गोल्डन एज में थे तो कितने संगारे हुए थे, कितना फर्स्ट क्लास हमारा राजभाग था, फिर माया रूपी धूल में लिपट कर गंदे हो गए। साथ साथ जो पढ़ते हैं वो तो ढींगे ही मारते रहते हैं, मेढ़ों मिसल ट्रां ट्रां करते रहते हैं, और जो कुछ पढ़ते हैं सुनाते हैं उसका अर्थ बिल्कुल ही जानते नहीं। कहते हैं मुख से, कीर्तन करते हैं मंदिरों में जाकर, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण वामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भज। अरे कहाँ नारायण और कहाँ राम, सब देवताओं को इकट्ठा करके एक श्लोक में रख दिया। अच्छा इसका क्या अर्थ है तो बतावेंगे नहीं बतावेंगे? अच्छा तुम तो जानते होंगे, नहीं जानते? क्या जानते? अच्युतम माने चित्त, माने ऊपर से नीचे गिरे, जो ऊपर से नीचे गिर जाए उसको कहते हैं चित्त। नीचे गिरना माना चित्त, और नीचे न गिरे तो अच्युत। तो शिव नीचे गिरता है? शिव तो कभी नीचे नहीं गिरता, और जिसमें प्रवेश करके ऊंचते ऊंच पार्टधारी हीरो पार्टधारी बनता है वो फिर नीचे गिरता है? हा? गिरता है? जो नारायण का पार्टधारी है जिसमें शिव प्रवेश करते हैं वो नीचे गिरता है? गिरता है, है? गिरता है। बाबा ने कहा फॉलो फादर, तो तुम किस फादर को फॉलो करते हो? अरे जब वो ही नीचे गिरता है तो तुम फॉलो किसको करते हो? बाबा का डायरेक्शन है इसलिए फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? फॉलो करना पड़ेगा, प्रजापिता ब्रह्मा को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन वो बार बार नीचे गिर रहा हो, वो अगर बार बार नीचे गिरे तो वो फॉलो करने योग्य है? गधा है या गधे को सुधारने वाला, पति को पतित को पावन बनाने वाला गधे का धोबी है? अरे किसको फॉलो करते हो? मैं बासरमैन भी हूं, मुरली बोला ना, तो जो बासरमैन है उसको फॉलो करते हो या गधे को फॉलो करते हो? वासरमैन को फॉलो करते हो? गधा तो गधा हो गया। तो प्रजापिता गधा है या नहीं है? नहीं बोल नहीं सकते, वो बात एक अलग बात है, वो भावना किसी को बैठी हुई है तो नहीं बोल सकता, लेकिन सच्चाई क्या है? ऐसा कभी कभी पाठ बजाया होगा, कभी कभी ऐसा पाठ बजाया, माने कभी कभी शिव जिसमें प्रवेश करता है वो कभी कभी ऐसा पार्ट बजाया होगा कि वो गधे मिसल पार्ट होगा। रावण के सर के ऊपर जो गधा दिखाया जाता है ना,
वो गधा प्रजापिता की यादगार है, है? दुदलाते क्यों? जो गधा दिखाया जाता है वो किसकी यादगार है? अरे रावण जिसको कहा जाता है वो पांच सिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पुरुष के, और पांच सिर स्त्री के, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये दस सिर मिलकर के रावण के दस शीश बने। पांच विकार जो है उनका बाप कौन है? देहाभिमान। तो देहाभिमान हो गया गधा। अच्छा जो पांच सिर दिखाए गए हैं वो पांच सिरों में चित्र तो बनाया है रावण का, चित्र बनाया कि नहीं बनाया? बनाया। चित्र बनाया है तो चरित्र करने वाला कोई होगा या नहीं होगा? माना 100% काम विकार को जन्म जन्मांतर धारण करने वाला काम रूपी सिर, और 100% क्रोध विकार को जीवन में धारण करने वाला क्रोध का सिर। ऐसे ही पांचों प्रकार के विकारों का सिरों का प्रतीक वो रावण के पांच सिर चित्रित तो किए गए हैं। किसी का तो चित्र होगा। अरे संगम युग में चित्र तैयार हो रहे हैं या नहीं तैयार हो रहे हैं? कोई के देवताई चित्र तैयार हो रहे हैं, कोई के आसुरी चित्र तैयार हो रहे हैं। तो रावण के जो दस मतें चलाने वाला दसियों मतें देता है, रावण के दस सिर हैं या नहीं है? कोई वो तो हैं। फिर उनका बाप कौन? पीछे से कोई कह रहा है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का बाप कौन? देहाभिमान। वो देहाभिमान रूपी गधा कौन? हाँ? अरे अरे कोई आत्मा होगी पार्ट बजाने वाली या नहीं होगी? होगा होगा, सो होता रहे हमें कोई मतलब नहीं। होगा लेकिन जानकारी नहीं चाहिए, जानकारी भी चाहिए। तो वो गधे का पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन हुई जो 100% देह अभिमान का पार्ट बजाती है? गधे को अपनी अकल नहीं होती है क्या? गधे को कोई अपनी अकल होती है? हैं? नहीं होती है। तो ब्राह्मणों की संगमिक दुनिया में कोई पार्टधारी तो होगा जो दस सिरों का बाप का पार्ट बजाने वाला हो। पांच विकारों का भी बाप कहा जाता है। अरे माया रूपी रावण, अभी तो बोल दिया उसको अकल नहीं होती है। शिव प्रवेश करता है प्रजापिता में, अकल नहीं होती है। वो सारी सृष्टि का बीज है ना, तो जो सारी सृष्टि का बीज है वो सारे सृष्टि की रूपी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की उसमें नॉलेज है या नहीं है? है। तो बेअकल है या अकलमंद है? है? अकलमंद है। अब पीछे तो अभी कोई कह रहा है कि वो प्रजापिता गधा है। कोई बात पे टिकता ही नहीं, बात कोई पक्की होनी चाहिए ना। अच्छा। देख रहा है ब्रह्मा की आत्मा, देख रहा है ब्रह्मा की आत्मा। हाँ वो वीडियो भरा जा रहा है, ब्रह्मा कुमारियां सुनेंगी बैठ के। शिव जो ज्ञान स्वरूप है सदैव, ज्ञान दाता है, वो प्रवेश करता है, ब्रह्मा में भी प्रवेश करता है और प्रजापिता में भी प्रवेश करता है। दोनों में प्रवेश करने के बाद जो वाणी चलाई जाती है उस वाणी को
कौन समझता है और कौन नहीं समझता है? प्रजापति का ब्रह्मा समझता है, ब्रह्मा नहीं समझता। जो भी वाणी चलाई गई सन 68 तक, उस वेद वाणी को जो ब्रह्मा के मुख से निकली, उस वाणी को सुनता तो है सबसे पहले कौन? ब्रह्मा बाबा। इसलिए गधे के कान सदैव खड़े हुए दिखाए जाते हैं या बकरी की तरह पड़े हुए दिखाए जाते हैं, है? हाँ, मुरली बोलते हैं, मैं जब इनके द्वारा मुरली चलाता हूं तो सबसे पहले कौन सुनता है? है? ब्रह्मा की सोल सुनती है। तो खां कान तो खड़े होके सुनते हैं, सुनने में फर्स्ट क्लास है, लेकिन समझने में सेकंड क्लास है। समझने में जीरो। उनसे ज्यादा मम्मा समझती थी या ब्रह्मा बाबा समझते थे? मम्मा ज्यादा समझती थी, ब्रह्मा बाबा जैसे बच्चा बुद्धि बोल दिया। ब्रह्मा जैसे बेबी बन गए, मुरलिम बोल दिया। बेबी माना बच्चा, बच्चा माना बच्चा बुद्धि। कृष्ण को बच्चा कहा जाता है और राम को बाप कहा जाता है। किस बात का अंतर है? बाप और बच्चे नहीं है, तो बाप और बच्चे तो संबंध की बात बताई, लेकिन दोनों में क्या फर्क है? बाप समझदार होता है और बच्चा बेसमझ होता है। बच्चे में समझ नहीं होती है। सारी मुरलियां सुनी तो, लेकिन समझा कुछ भी नहीं। तो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसका पार्ट है बुद्धि का, अकल का पार्ट है, और ब्रह्मा का पार्ट अकल का पार्ट नहीं है। तो बाप कहते हैं कि जब तुम गोल्डन एज में थे तो कितने संगारे हुए थे, कितना फर्स्ट क्लास तुम्हारा राजभाग था, फिर माया रूपी धूल में लिपट करके गंदे बन पड़े। इतनी डींगे मारते हैं, इतनी बुद्धि गंदी हो जाती है कि मंदिरों में जाकर कीर्तन करते रहते हैं अच्युतम केशवम राम नारायणम, और अर्थ कुछ भी समझते नहीं। अब राम नारायण कहां, राम कहां नारायण, जो कुछ भी कहते हैं अर्थ कुछ भी नहीं समझते। अभी तुम तो समझते हो कि कहां की बात कहां पर ले गए हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्र सब ऐसे ही बनाए हुए हैं। क्या संगम युग की सारी बातें हैं शास्त्रों में, और वहां द्वापर युग में जो शास्त्र बनाए हैं वो संगम उनको याद है ही नहीं। कहां की बात कहां ले गए? बाप कहते हैं ये अंधेर नगरी है, भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं। टकासीर भाजी टकासीर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। अरे भगवान सर्वव्यापी है कि माया सर्वव्यापी है? है माया सर्वव्यापी। जो भी मनुष्य मात्र हैं या जो भी कीड़े पशु पक्षी पतंगे जो भी आत्माएं हैं उनमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार व्यापक हैं या भगवान व्यापक है? है पांच विकार सब में व्यापक हैं। तो ये अंधेर नगरी हो गई, ये जो कुछ भी हुआ है भक्ति मार्ग में सो फिर एक्यूरेट रिपीट होगा, इसमें मुझने की बिल्कुल दरकार नहीं है। क्या अभी ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में बेसिक में भक्ति मार्ग चल रहा है कि टोटल ज्ञान मार्ग चल रहा है?
टोटल भक्ति मार्ग चल रहा है। फिर एडवांस ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में हूबहू रिपीटेशन होगा या नहीं होगा? है? होगा। तो कोई वंडर खाए, ये क्या बात, वहां भी ऐसे ही होता है और यहां भी ऐसे ही होने लगा। बाप कहते हैं इसमें मुझने की दरकार नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान और लास्ट में तमो प्रधान होती है। मुझने की बात नहीं है, हिसाब है। बाबा ने समझाया था कि 5000 साल में कितने दिन और कितने मिनट होते हैं। तो एक बच्चे ने सर्वधर्म वालों का हिसाब निकाल करके भेजा है। अभी बाबा कहते हैं इसमें भी बुद्धि वेस्ट होगी। बाबा तो ऐसे ही समझाते रहते हैं कि ये दुनिया कैसे चलती है। बाकी अभी इस दुनिया को चलने में 8 वर्ष हैं। कब की वाणी है? हैं? 8 वर्ष हैं। फिर इससे पहले बोल दिया कि बाबा तो ऐसे ही समझाते रहते हैं कि ये दुनिया तो ऐसे ही चलती रहती है। कैसे चलती है समझाते हैं। अभी 8 वर्ष हैं, तो 8 वर्ष में दुनिया खत्म हो जाएगी या चलती रहेगी? है? फिर 8 वर्ष हैं, ये क्यों बोला? अरे इसका कारण क्या कि 8 वर्ष हैं अभी? फिर कहेंगे 7 वर्ष हैं, फिर 1 वर्ष के बाद कहेंगे 6 वर्ष हैं। ऐसे कहते कहते ये 8 साल खत्म हो जाएंगे। तुम बच्चे समझाते हो कि अभी फलाने धर्म की स्थापना हो रही है। फलाने माने देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना हो रही है। 8 वर्ष के अंदर नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी और पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, माने 76 में। तो हो गया नहीं हुआ? बाबा ने झूठ बोल दिया? बाबा ने झूठ भी नहीं बोला। ये क्या बात हुई? है हाँ, बाबा तो बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। हद की दुनिया की बात थोड़ा ही बताई। ब्रह्मा के द्वारा जो ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया रची गई है, उस दुनिया में रावण कुंभकर्ण जैसे ब्राह्मण भी आ गए और वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण भी आ गए। तो 8 वर्ष में कौन खलास हो जाएंगे? रावण कुंभकर्ण जो जैसे ब्राह्मण जिनकी ढेर की ढेर तादाद है ब्राह्मणों की दुनिया में, वो सब खलास समझो। ये सब मरे पड़े हैं, ये ज्ञान में चलने वाले जिंदा नहीं है। ये सब मुर्दा हैं या जिंदा हैं? ये सब मुर्दे हैं। तो तुम बच्चे ये समझाते हो कि फलाने धर्म की स्थापना हो जाएगी। कौन से धर्म की स्थापना हो जाएगी? 76 में देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना प्रैक्टिकल में हो जाएगी या बुद्धि में हो जाएगी? बुद्धि रूपी क्षेत्र में किसी की बुद्धि में ये नक्शा बैठ जाएगा, पक्का नक्शा आ जाएगा कि नई दुनिया में किसका राज्य होगा। 76 के बाद जो ब्राह्मणों की नई दुनिया का संगठन तैयार होगा, उसमें राज्य किसका चलेगा? जो लक्ष्मी बनने वाली आत्मा और जो नारायण बनने वाली आत्मा है उनका राज्य चलेगा और बाकी सब खलास। ओम शांति।